गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. फ्रॉम नाउ आई एम टेकिंग योर इंग्लिश सब्जेक्ट, सो टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड चैप्टर नंबर 2. ओके, आई होप यू हैव ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 2. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंटेंस? इन Chapter number 1, you have already learned about what is sentences. A sentence is a group of words that make complete sense. जो एक complete sense बनाता है, words का एक group है जो complete sense बनाता है, उसको sentences कहते हैं. Here we know about kinds of sentences. There are 4 different kinds of sentences. Assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. Assertive sentence is a simple sentence जो हाँ में और ना में बोले जा सकते हैं. Interrogative एक जिसमें हम questions पूछते हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, तो वो interrogative type of sentences हैं. Exclamatory जहाँ हम ना ज़्यादा खुश हों, ज़्यादा शॉक लगा हो, या बहुत दुखी हो, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें कमांड दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है या किसी से कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, उसको इम्पेरेटिव कहते हैं. हम डिटेल में अब पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस. An assertive sentence makes a statement. एक कोई भी statement हो, सीधा साधा कोई simple हो, sentence हो, उसको assertive sentence में include कर सकते हैं. और इसके भी 2 kinds हैं, affirmative and negative. Affirmative simple हाँ में जो होते हैं sentence, negative जो ना में sentences हो. For example, she is late, वो लेट है. और नेगेटिव, शी इज़न्ट लेट, वो लेट नहीं है. तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनको असर्टिव सेंटेंस में इंक्लूड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज, इंटरोगेटिव सेंटेंस. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंटरोगेटिव में सेंटेंस में इंक्लूड किया जाता है. और वो हमेशा एंड किस में होते हैं? एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और ये ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर फादर? आपके फादर क्या है? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? डिड नाम्या सिंग अ सॉन्ग? क्या नाम्या सॉन्ग सिंग कर सकती है? तो ये सब क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं. थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कोई भी, जैसे खुशी हो, प्लेजर हो, एंगर, गुस्सा हो, या कोई सरप्राइज, आप बहुत ज़्यादा चौंक गए हो, देख के बहुत खुश हुए हों, तो उसको एक्सक्लेमेटरी के अंदर रखा जाता है. और ये हमेशा सेंटेंस एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से. व्हाट इज़ अ शेम? कितनी बुरी बात है. हाउ वंडरफुल? कितना अच्छा है. हाउ फुलिश ही इज़? कितना ना समझ है. व्हाट अ लवली फ्लावर? कितना सुंदर फ्लावर है. ये सब एक हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी अंदर की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ कमांड, एक्टिव और एडवाइस, सॉरी, और रिक्वेस्ट, जिसमें हम कमांड देते हैं, कोई ऐसा उसको बोलते हैं कि नहीं करना ही है. एडवाइस, कोई आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आप उससे परमिशन ले रहे हैं, या कोई रिक्वेस्ट आपका काम करने की आपको
किसी के लिए कुछ कह रहे हो काम करने के लिए, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे शट द डोर, ये कमांड है कि डोर बंद कर दो। हेल्प द पुअर, ये एक एडवाइस है कि आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक एडवाइस है। प्लीज़ गिव मी वाटर, क्या मुझे पानी दे सकते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट है, आपने रिक्वेस्ट किया है कि पानी मुझे दे दो। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नाउ टर्न द पेज।